तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर आ रही है। अब मध्य प्रदेश में तीन और नए जिलों को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है और तीन नए जिले अब मध्य प्रदेश के अंदर बनने वाले हैं, यानी अब मध्य प्रदेश में 55 जिले हो जाएंगे। अब कौन कौन सी तहसीलों को यहां पर जिला बनाने की मंजूरी दी गई है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है मध्य प्रदेश के लिए। कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है, अब मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं और एमपी में तीन नए जिलों को यहां पर मंजूरी दी गई है। यहां पर पीसी शर्मा ने एक बड़ा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यहां पर और वो है विकेंद्रीकरण के हिसाब से तीन नए जिले बनाए गए, नागदा जिला, मैहर जिला और चाचौड़ा जिला, जिसकी लगातार मांग हो रही है। तो मैया, चाचौड़ा और नागदा को यहाँ पर जिला बनाने पर सहमति यहाँ पर दे दी गई है और ये कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि कदम हो सकता है सरकार का। और आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस यहाँ पर तहसील को जिला बनाना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किन तहसीलों को यहाँ पर जिला बनाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसी अब तहसीलें हैं जो कि विकास के कगार पर है और काफी विकास उनमें हुआ है और उनकी मांग भी अब जिला बनाने की है। इसके अलावा अगर आपको पूरी जानकारी दिखा दें तो यहाँ पर भाजपा के यहाँ पर विधायक नारायण त्रिपाठी, जो कि अब बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, कह सकते हैं कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पर मैहर जिले की जो है अब वो मांग कर रहे थे और इस पर सहमति यहाँ पर दे दी गई है। तो मैहर सतना को जिला बनाए या जाएगा। यहाँ पर सियासी घटनाक्रम के बीच यहाँ पर 4 से 5 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, यहाँ पर विधायक भाजपा है लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर कमलनाथ से वो मुलाकात कर रहे हैं और मैहर जिला को कहीं ना कहीं बनाने के पीछे उनका ही हाथ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके पहले अगर बात करें तो चचौड़ा के लिए दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह यहाँ पर चचौड़ा गुना को यहाँ पर लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। ये कुछ बड़े कदम यहाँ पर लिए गए हैं अचानक से, ऐसी खबर चल रही है। और नागदा उज्जैन से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इन तीन तहसीलों को जिला बनाने पर मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा कई और यहाँ पर जो है कैबिनेट में फैसले लिए गए, जिनमें ऑनलाइन स्टाम्प खरीदने पर 1% की छूट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अब जो न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, इस पर भी यहाँ पर जो है फैसला लिया गया कैबिनेट में। इसके अलावा मुख्यमंत्री पेयजल योजना, सरदार सरोवर यहाँ पर परियोजना के समेत अन्य मुद्दों पर जो है फैसला लिया गया। कर्मचारियों की मांगों के लिए मंत्रियों ने कैबिनेट में अगली बैठक रखी गई है। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किन तहसीलों को यहाँ पर जिला बनाने पर जो है सहमति होने चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।